दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, शाहरुख खान और गौरी खान को कोर्ट का नोटिस भेजा है। दरअसल हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म इत्तेफाक रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स की मुसीबतें बढ़ गई है। बता दें, हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक फिल्म के एक पोस्टर में फिल्म का एक कलाकार अपने होठों में सिगरेट दबाए हुए है और वो इस सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर पकड़ा हुआ है। फिल्म का ये पोस्टर स्मोकिंग को बढ़ावा देने जैसा है। गौरतलब है कि इस पोस्टर में अक्षय खन्ना है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 यानी काटपक के तहत टोबैको प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भेजा है नोटिस। एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू के मुताबिक एसके अरोड़ा, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, ने कहा है, हमने 3 दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर्स को स्पीड पोस्ट और ईमेल के जरिए नोटिस भेज दिया है, लेकिन अभी तक इस नोटिस का उनकी तरह से कोई जवाब नहीं आया है। अगर फिल्म के प्रोड्यूसर्स 4 दिनों के अंदर स्मोकिंग को बढ़ावा देने वाले पोस्टर को सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों से नहीं हटाया तो हम आगे की सख्त कार्रवाई करेंगे। बता दें, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस में लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है।